हाय एवरीवन, तो फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को देख पा रहे कि आज मैं आया हूँ साइंस सिटी, जो कि कोलकाता की सबसे सुपर में से एक माना जाता है। और आप लोग को यहाँ का आज ऐसी नजारा दिखाऊंगा कि आप लोग देख करके बिल्कुल मजा आ जाएंगे आप लोग को। तो कृपया करके आप लोग वीडियो में बने रहे और देखे इसके आगे में क्या है, मैं आप लोग को हर डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ की इतनी खूबसूरती, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी लगती है कि आप लोग देखेंगे तो आपको नजर बिल्कुल हटेंगे नहीं। तो कुछ इस तरह के हैं यहाँ के नजारे। ये आप जो मिसाइल देख पा रहे होंगे, ये बाली की मिसाइल है, इसका नाम है साइंस सिटी। और यहाँ पे कुछ साइंस के भी चीज रखे गए हैं। और ये ऊपर आप देख सकते हो, ये जो ट्रॉली जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, इसमें बैठ के आप इस पार से ऊपर जा सकते हैं। काफी सुंदर है, काफी अच्छी है, और कुछ इस तरह के इसके बनाए गए हैं। और इसके आगे चलते हैं तो कुछ यहाँ पे लंबे मिसाइल रखे गए हैं और काफी अच्छा लगता है देखने में, और कुछ इस तरह से है। और चलते हैं इसके आगे और पता करते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे मिसाइल पार्क, तो ये मिसाइल है, मिसाइल नहीं, इसमें हर चीज रखे हुए हैं, हर तरह के चीज दिए गए हैं, सिर्फ मिसाइल में है। तो आप लोग को मैं वीडियो में दिखाता हूँ, चलिए। और कुछ इस तरह के दिखते हैं साइंस सिटी पार्क, और यहाँ की सुंदरता काफी अच्छी लगती है। और यहाँ पे कुछ इस तरह के बतख रखे गए हैं ताकि काफी अच्छा लग सके, कुछ ना कुछ तो चिड़ियाघर का भी फील मिल सके। यहाँ पे कुछ इस तरह के बनाए गए हैं, काफी लंबी है, काफी अच्छी लगती देखने में। और दूसरी साइड कुछ इस तरह के पार्किंग दिए गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे लोग आए घूमने के लिए, कुछ इस तरह के दिखते हैं। और आपको ये साइड में कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे और काफी अच्छी लगती देखने में, बहुत ही अच्छी है। आपको कुछ अच्छी चीजें यहाँ की खूबसूरतियाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और शायद कुछ इस साइड आप एक बार इस तरह के आते हैं जो कि काफी अच्छे लगते देखने में। और मेरे साथ ये देखिए कुछ फ्रेंड बन चुके हैं जो कि काफी अच्छे लोग हैं। सबसे बड़ी पार्क है, बहुत अच्छी पार्क है, बहुत ही खूबसूरत लगते है देखने में। यहाँ पे कुछ रास्ते इस तरह के बनाए गए हैं, काफी अच्छी बनाए गए हैं, जैसे जैसे रास्ते हैं वैसे वैसे पुल को गतिम करके बनाए गए हैं, काफी खूबसूरत लगते हैं देखने में। और अंदर की नजारे है कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको, जैसे गेट पे एंट्री करेंगे वैसे आपको ऊपर कुछ देखने को मिलेंगे। और आप जैसे जैसे धीरे धीरे इधर अंदर आएंगे आपको इधर काफी सारे चीज देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह के देख सकते हैं काफी सारे चीज, इधर बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, आप खिलौने भी ले सकते हो। उसके बाद इधर में कुछ इस तरह के बनाए गए हैं जो की काफी सुंदर देखने को लगते हैं। शायद कुआं है, ये बहुत ही नीचे है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद से काम है या नहीं बिल्कुल पता नहीं है मुझे। यहाँ से आपको कुछ इस तरह के देखने को मिल सकते हैं जो कि काफी अच्छे लगते देखने में। यहाँ से बहुत ऊंचाई है जो आपको बाहर से देखने को सुन मिलता है, ये काफी आप चार पांच सीढ़ी में चढ़ के घूम सकते हैं जो कि काफी सुंदर लगता है देखने में।
कुछ इस तरह के दिखते हैं यहाँ से नीचे से, और आप से काफी बड़ा देखने को मिलेंगे। और इस साइड में कुछ सेटी जैसे कुछ है जो कि आप इसे इससे बैठ सकते हैं, इसे चला सकते हैं। कुछ इस तरह के देखने को मिल सकते हैं कुछ तरह के सैंपल से है, कुछ है नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं, आप घुमा सकते हैं इसे। यहाँ पे घना करके बनने से आपकी आवाज जाते हैं, जैसे कि जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह के आप घुमा सकते हैं इसको, घुमा के उठ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के चीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि लंबा सा है और आगे पीछे होते रहते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के चीजें देखने को मिलेंगे, काफी सिंपल सा है, अपने आप घूमते रहते हैं चारों ओर। यहाँ पे भी ऐसे घूमते रहते हैं, आप इस पतन से घुमा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अंदर नहीं घुस सकते हैं, यहाँ पे नो एंट्री दिया गया है। काफी सुंदर है बैकग्राउंड इसका, कुछ इस तरह को देखने को मिलेंगे, काफी सुंदर है। बट इसके अंदर घुसने के लिए नो एंट्री लिखा गया है, इसमें घुस नहीं सकते हैं। देखने में काफी बड़ा पत्थर जैसा बनाया गया हुआ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से कुछ धुआं धुआं सा होता रहता है हमेशा।